इमरान खान की नथिया गली की पुरानी तस्वीर इस्तेमाल करके प्रोपागेंडा करने की कोशिश बेनकाब। निजी टीवी चैनल्स ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नथिया गली की पुरानी तस्वीर पर खबर बना दी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूक भी फेक न्यूज़ फैलाती रहीं। समा टीवी ने खबर डिलीट करके अपनी खबर पर माजरत कर ली है। तफसीलात के मुताबिक निजी चैनल समा ने एक खबर लगाई कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नथिया गली में वॉक करने की तस्वीर जारी की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी फैमिली के हमरा नथिया गली में ईद मना रहे हैं। यही नहीं, एक और चैनल 24 न्यूज़ ने भी खबर दी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सादगी से नथिया गली में ईद मनाई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नथिया गली में वॉक करने की तस्वीर वायरल हो गई हैं। इस खबर को ARY, GNN, डॉन न्यूज़ ने भी शेयर किया। हकीकत यह है कि ये तस्वीर 2017 की थी। इस खबर को सिर्फ टीवी चैनल्स ने नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं ने भी शेयर किया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर कड़ी तनकीद की। शर्मिला फारूकी ने यह खबर शेयर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गैर जिम्मेदार शख्स करार दिया और तनकीद के खूब तीर बरसाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी के बेटे ने खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आपकी कोई परवाह नहीं। पीपल्स पार्टी की हामी समझी जाने वाली सहाफ़ी अफत रिजवी ने ट्वीट किया और कहा कि नथिया गली में ईद मनाने की बजाय क्या वज़ीर-ए-आज़म को कराची के फजाई हादसे में जाँ बहक मुसाफरों के घर नहीं जाना चाहिए था। ऐसे मौक़ों पर बेनज़ीर भुट्टो शहीद बहुत याद आती हैं। जिसके बाद इन तमाम फेक पिक्चर्स की वजह से इमरान खान पर शदीद तनकीद जारी है।